गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, यूपीटीईटी 2019 से संबंधित बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपीटीईटी का मामला कोर्ट में चला गया है और संशोधित उत्तर कुंजी और रिजल्ट में देरी हो सकती है, तो सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपीटीईटी सीटीईटी केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की जो भी जानकारी मिलती है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, यूपीटीईटी 2019 का मामला कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में जाने का जो कारण है दोस्तों, वो कारण बताया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्शन फीस जो पीएनपी की तरफ से ली जा रही थी 500 रुपये पर क्वेश्चन, तो इसलिए यहां पर जो है यूपीटीईटी का मामला कोर्ट में चला गया है। और कहा जा रहा है कि ये जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है यानी कि मूल अधिकार का उल्लंघन है, इसमें सभी लोगों को समानता नहीं दी जा रही है, क्योंकि कुछ भाई बहन हमारे ऐसे भी थे जो चाहकर भी आपत्ति नहीं कर पाए। वजह केवल दोस्तों एक ही थी, 500 रुपए का ऑब्जेक्शन चार्ज जो बहुत ही ज्यादा दोस्तों लगाया गया पीएनपी की तरफ से, तो इसीलिए कुल दोस्तों 1000 के आसपास बच्चों ने प्राइमरी और जूनियर में मिला के आपत्ति की थी। तो चलिए दोस्तों पूरी ऑफिशियल खबर देख लेते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, उत्तर कुंजी तो आप लोगों की टाइम पे आ जाएगी, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि जो 8 फरवरी को जो रिजल्ट आने वाला उसमें देरी दोस्तों हो सकती है। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल खबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यूपीटीईटी में आपत्ति करने के लिए शुल्क मांगने को चुनौती यहाँ पे दी गई है। यूपीटीईटी 2019-20 की आंसर की जारी होने के बाद इसके प्रश्नों पर आपत्ति दाखिल करने के लिए प्रोसेसिंग फीस मांगने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइएगा क्या ये चुनौती ठीक दी गई है या केवल एक यहाँ पे अड़ंगा डालने की कोशिश की जा रही है जो रिजल्ट आने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सरकार ने 17 अक्टूबर 2019 को जारी शासनादेश के प्रति प्रश्न 500 रुपये का शुल्क लगा दिया। धीरेंद्र कुमार कुशवाहा और अन्य ने इसे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके चुनौती दी है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने प्रदेश सरकार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इस मामले में 1 सप्ताह में जानकारी उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। याचिका अधिवक्ता अनुराग अग्रहारी और प्रणेश मिश्रा ने कहा है, यूपी टेट की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को हुई थी। इसकी आंसर की 14 जनवरी को जारी की गई। प्रश्नों पर आपत्ति दाखिल करने के लिए प्रति प्रश्न 500 रुपये की फीस सरकार द्वारा रखी गई थी। तो दोस्तों पूरी खबर यही है। अब जो इसकी सुनवाई दोस्तों बताया जा रहा है, मैं आपको ये भी बता दूँ, जो इसकी सुनवाई है दोस्तों 6 फरवरी को होगी और आप लोग जानते हैं 8 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर कोर्ट जो है रिजल्ट पे स्टे दे सकता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, क्या ये अड़ंगा डालने वाली खबर है रिजल्ट में। हर बार की तरह दोस्तों यूपीएनपी का एक रिकॉर्ड रहा है कि उसका हर मामला अदालत में जाता है, चाहे वो यूपी टेट 2018 हो या 69,000 शिक्षक भर्ती जिसका अभी तक परीक्षा परिणाम नहीं आया है। तो कुछ लोगों की दोस्तों आदत भी होती है हर मामले में अड़ंगा लगाने की। तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों, क्या यहाँ पे जो फैसला लिया गया है वो ठीक है या नहीं। फिलहाल दोस्तों आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।